रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पलकू की शादी का कार्ड 11 सितंबर, आना मत भूलना। मेरे बच्चों के लिए एक माँ चाहिए, पर मेरे लिए अपने लिए बीवी नहीं। मुझे भी एक फ्रेंड ही चाहिए, क्योंकि सब प्यार करना और होना थोड़ा मुश्किल है। लगता है कि रिकी वास्ते यही सही रहेगा। ऋषु बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा लंदन वाला जो जॉइंट वेंचर है, तुम रिकी को हैंड ओवर करो। पर डैड, वो प्रोजेक्ट आप मुझसे वापस क्यों ले गए? बेटा, समझने की कोशिश करो, रिकी टूट रहा है। If he takes over that project, he'll be distracted. That book project मेरा है। मैंने इतना काम किया उस project पे, इतनी मेहनत की है, और फिर end में credit रितिक लेके चला जाएगा। ऐसी बात कर रहे हो तुम? इस पे credit वाली बात कहाँ से आ गई? This is not about credit. रिकी, उत्तर मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन चले जाओ। वहाँ पर ऋषु का जो joint venture है, उसे तुम take over कर लो। बेटा, यहाँ से दूर जाओगे तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। जब आप टूटे थे, मैं आपके साथ था ना? तो जब अब मैं टूट रहा हूँ, तो मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं आप? भाई, ये प्रोजेक्ट आपका है, मैं नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल राइट नाउ। मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी अपनी फैमिली अपने साथ चाहिए। Somehow, ऋत्विक हमेशा बीच में आ जाता है, हमेशा। शादी के कपड़े खरीदने हैं, मेहंदी और संगीत के कपड़े खरीदने हैं, कितना सारा काम करना है। रात को ही मेहंदी संगीत है और कल ही शादी। ओहो, शादी का लहंगा पहनने के लिए तुझे यही खाना है? तुझे पता दिखना है ना, वो क्या है, रात ही अंडा भी खिला दूँ। ओवरनाइट बेली टाइट वाली रेसिपी है ये, पतले होने की बेस्ट रेसिपी है, मैंने इंटरनेट पे देखी, जल्दी से खा ले। अब इस तरह मुंह क्यों लटका रखा है? चल स्माइल कर। जानती हूँ बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है चंगा हो रहा है। नमन बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अब जल्दी से खीरा खा ले, शॉपिंग पर भी चलना है। आपका भी मुंह कितना उतरा हुआ है, थोड़ा स्माइल कीजिए, खुश हो जाइए, बेटी की शादी है। चाय पीजिए, ब्रेड बटर लगा दिया, खा लीजिए, फिर शॉपिंग पे जाना है। क्या हुआ पापा? मैं खुश हूँ, ट्रस्ट मी। आपकी इकलौती बेटी हूँ मैं, आपको तो एंजॉय करना चाहिए ना। थोड़ी सैड थी मैं, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना, तो थोड़ा प्रेशर है। क्या हम रेडी है शॉपिंग के लिए? अरे वाह, सेतु भी आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। कैसे हैं? यहाँ क्या कर रही थी? तेरी अभी भी शादी है, तुझे रोहित के साथ होना चाहिए। अच्छा, शादी हो गई है तो मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती, तुझसे बातें नहीं कर सकती, तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? ऐसा थोड़ी बोला मैं। तो फिर तेरी शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगी ना। बट ऑन द सीरियस नोट, यू नो ना, रोहित बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ही नोज दैट राइट नाउ आई नीड टू बी विद यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर आई एम वेरी सॉरी सबको। पापा प्लीज, आपको जो पनिशमेंट देनी है ना, आप वो दे दो, पर मुझे इस वक्त अपनी फैमिली से दूर मत करो। आई रियली नीड एवरीबडी, मैं सबसे बहुत दूर चला गया था, प्लीज। मामा, जब मैं छोटा था तो आप थप्पी लेके, चप्पल लेके मेरे को मारती थी ना, इस बार भी ऐसा कुछ कर देते तो मैं लाइन पे तो रहता ना एटलीस्ट। अरे यार, इमोशन में बह के ऐसी बातें नहीं करती, ये लाइन कितनी भारी पड़ेगी आपको पता है? हैं भाई, पहले मम्मी रबर की चप्पल पहनती थी, आजकल लेदर चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स एंड हाउ आई अभी तक दुख रहा है मुझे, यू नो शिवम, टाइमिंग। क्या बकवास करी जा रहे है, पागल है? मैंने ऐसे कब किया था? ज्यादा मत बोल, घर में पुलिस आ जाएगी। बेवकूफ की तरह। मेरी सबसे बड़ी माफी उस एक इंसान के लिए जिसने मुझे सही मायने में सपोर्ट किया है। यह सब मेरी बेवकूफी की वजह से, मेरे मेरे उस
झूठे प्यार में मेरे साथ विश्वास कर रहे थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने जो कुछ भी किया मेरे अच्छे के लिए किया। ऋषभ भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। ऋषभ, इसकी ऐसी पिटाई करना जैसे तू उसे बचपन में किया करता था। ऋषभ भाई, सॉरी। पागल है, forget about the whole. Babs, you know, you've been the perfect sister-in-law. आपने भी वही किया जो सही था, and I don't know how to say thank you or sorry to you. मैं जानता हूँ कि आप और भाई बाहर जाने वाले थे. Can I please help you with your pre-London shopping? Oh my God, भाभी, that's the best thing ever. और आपके कजिन की भी शादी आ रही है ना यॉर्कशायर में. Dude, make the most of this offer, please. मैं तो कह रही हूँ भैया की जेबें खाली करवा दो। Seriously, भाभी, whatever you want, it's on me. आप तैयार हो जाओ, चलते हैं। Hi. Actually, मैंने पूछने के लिए फोन किया था। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। I hope सब अच्छे से हो रहा हो। तुम प्लीज ज़रा स्ट्रेस मत लेना। हाँ यार, I'm fine. No stress. Good. तो ये मेरे बुक में क्यों कर लाएगी? मेरे बुक वापस दे। God. पापा इसको देखो ना। One second, पुला। No problem. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों लड़ रहे हो? पापा से पहले मेरे बुक खींची। अरे यार, देखो तुम दोनों प्लीज लड़ो मत। और जो सबसे अच्छी पेंटिंग करेगा ना, उसे मैं चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, ठीक है? अब अच्छे से पेंटिंग करो और मुझे दिखाओ। ये लो पकड़ो। I'm sorry. वो क्या है ना, कभी कभी मेरे बच्चे ना दोनों टेररिस्ट बन जाते हैं। एक्चुअली मैं घर पे होता नहीं हूँ, लेकिन जब भी ऑफ होता है ना तो सारा का सारा टाइम इनके साथ स्पेंड करता हूँ। अब आई थिंक मैं दूसरा बाद में बात करता हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी घर में तूफान आ जाएगा दोनों की वजह से। ठीक है, आई सी यू इन द इवनिंग। ये ऋत्विक का नाम और नंबर अपनी लाइफ से डिलीट करा। वही कर रही थी। आओ। अरे क्या हुआ? हेलो। अरे रुक, लेट मी सी। क्या हो गया? वो आंख में कुछ चला गया। हाँ रुक, मैं फूंक मारती हूँ, एक सेकंड दिखा तो मुझे। जाके वॉशरूम में धो लो। कुछ आंख में चला गया होगा, निकल जाएगा। से तू लेकर जा। हेलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पलक को तुम फोन करो? अभी भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं। देखो, तुम पलक के आसपास भी नजर नहीं आना। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश करी ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाऊंगी। एक्सक्यूज मी। और हाँ, उस लॉयर के पास नहीं जाऊंगी जिसके पास तुम्हारी भाभी ने भेजा था, क्योंकि वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती। तुम्हारी भाभी ने मुझे उसी लॉयर के पास भेजा था जो तुम्हारे पापा का दोस्त था। अब ये कहना है, मेरी भाभी क्यों भेजेंगे आपको किसी लॉयर के पास? मुझे क्या पता, उसी से पूछ लो, होगा तुम्हारी फैमिली का कोई गेम प्लान। ठीक है आंटी पलक, अब उसकी आंख में आईलैश चला गया था। ऑल ओके, चले चले। रिकी, चले। तुम चाहते हो कि मैं फ्रीना पेपर साइन कर दूं, है ना? तुम्हें फ्रीना के बारे में क्या पता है? साक्षी ने बताया। भाभी आपने कि सुनो यार, मुझे लिफ्ट दे दो, डेंटिस्ट तक, दांत में बड़ा दर्द हो रहा है। मॉम भी क्या है? चलो मैं बैग ले लेती हूँ। ओके चलो, आ जाओ तुम। आपने देखा पलकू कितनी खुश लग रही है? लड़का जब अच्छा हो ना तो लड़की के चेहरे पर ऐसे ही नूर आ जाता है। जी मैं सोच रही थी कि जब यहाँ पे आए हैं तो मेहमानों के लिए भी गिफ्ट यहीं से ले लेते हैं, है ना? एक मिनट में बोल के आती हूँ। पलकू से तू एक काम करो, तुम लोग पसंद करो, हम लोग वो वाले काउंटर पे। ठीक है आंटी। ओके, ये जो खुश होने की एक्टिंग तू कर रही है ना, आई विश वो सच हो जाए और नमन के साथ तू सच में खुश रहे। आई नो तू ये शादी अपनी मॉम के लिए कर रही है और इतनी मुस्कुरा रही है अपने डैड के लिए। ऋत्विक को भुलाना इतना आसान नहीं है, आई नो दैट। मैं तुझे क्लियर करती हूँ, आई हेट हिम। उस इंसान की जगह ना मेरे दिल में है ना मेरे दिमाग में। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट हिम।
तो हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, छोड़ते ना ये बात। मॉम यू फीलिंग बेटर? अंदर जाकर ठीक हो जाना। तुम लोग यहाँ क्या करो, जाओ, मैं कह रही हूँ शॉपिंग करो ना। मॉम हम आपके साथ रहते हैं ना। अरे जिद ना करो यार, कौन से मेरे सारे दांत उठवाने मैंने, जाओ शॉपिंग करो। Exactly. और मैं हूं ना मम्मा के साथ, रिलैक्स गाइस। आर यू श्योर? अच्छी शॉपिंग करना मेरे वास्ते भी ले आई, ठीक है? चल ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। एक मिनट, सिद्धू लहर सारी लहंगा शॉप में, साउथ एक्स वाले, मंजीत आंटी और भाभी के बीच में कुछ तो हुआ है। आई हैव टू फाइंड आउट। आपको शॉपिंग करनी है ना, साउथ एक्स वाले मॉल में चेक करें। ओके फाइन, लेट्स गो। हो गया ऑल्टर लहंगा? नहीं यार, अभी भी वेट कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो लहंगा, अभी तक ऑल्टर नहीं हुआ, शाम को संगीत है, क्या पहनेगी वो? हो गया, ये लीजिए। ओके ग्रेट, ये ले पकड़ फटाफट से ट्राई कर। लेट हो रहा है, चल। गुड। बात सुनो, वो मंजीत आंटी को लोहार का नंबर आपने दिया था? वो मंजीत आंटी को लोहार का रेफरेंस आपने दिया था? हाँ, उन्होंने मांगा था तो दे दिया। Isn't it odd कि वो हमें सीव करने के लिए लोहार का रेफरेंस हमसे ही ले रही हैं? I mean, that doesn't make sense. क्योंकि I just don't know. She asked for the number and मैंने उनको दे दिया। एनीवे मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। हाँ तुम और पलक यहाँ की शॉपिंग खत्म करो, मैं और कमलेश घर जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा काम पड़ा है। अब कुछ बात हो तो फोन कर देना। ठीक है आंटी। ओके थैंक यू पुत्र, चलिए। अरे क्या बताऊँ, अचानक से शादी फिक्स हो गई, बट मुझे सारे अच्छे अच्छे डिजाइन दिखाना। पलक शुड लुक लाइक अ मिलियन बक्स ऑन द वेडिंग। ओके सबसे लेटेस्ट डिजाइन दिखाओ। एक सेकंड, आप ये ट्राई कीजिए, आजकल बहुत फैशन में चला है। ओह वाओ, तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, ये पलक को ट्राई रूम में दे दो, ठीक है? और मैं दुपट्टे चेक करती हूँ। ठीक है ग्रेट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, ये पलक लेके जा रहे हैं? हाँ जी। दीजिए मैं दे देता हूँ। आप? मैं फैमिली हूँ, टेंशन मत लीजिए। ओके सेतु, सेतु तू बाहर है क्या? डोरी के लिए हेल्प करेगी प्लीज? एक सेकेंड खोल रही हूँ। चलाना मत, बस एक सवाल पूछना है। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुम्हें? नो शेम एट ऑल? नहीं,
सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दो, दैट्स इट। क्या पूछना है अब तुम्हें? पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी मामा और साची भाभी की बहुत सारी बातें हुई हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये लॉयर का आइडिया किसका था। आई मीन, क्या तुम्हारी मॉम ने साची भाभी को फ़ोन करके लॉयर का नंबर लिया था, या साची भाभी ने फ़ोन करके तुम्हारी मॉम को हमारे लॉयर का नंबर दिया था? क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है पलक, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नो, एट द एंड वो प्रीनप अग्रीमेंट था ना, तुम्हारा लॉयर हो हमारा लॉयर हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें जो लिखा हुआ था वो तो चेंज नहीं हो सकता। I didn't mean to. और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ तुमसे? तुम सिर्फ मुझे हर्ट ही तो कर सकते हो। और तुम जो मेरे सवालों को अवॉइड कर रही हो, साफ पता चल रहा है कि मुझसे अमीर लड़का मिल गया तुम्हें, इसीलिए तो प्रीनप में भी फॉल्स निकल रहे हैं। पहले कहाँ थे? सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि दुनिया में हर कोई गलत है, सिर्फ तुम सही। तुमसे इसलिए नहीं नफरत करती क्योंकि तुमने अपनी फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं तुमसे इसलिए नफरत करती क्योंकि जब मेरी मॉम की बेइज्जती उड़ती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रीनप अग्रीमेंट में सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं थी, मेरी मॉम की बेइज्जती थी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शादी इज नॉट अबाउट सेक्स। अपनी पार्टनर को उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, पर तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन भी गलत थी तुमसे। जो बात तुम बोलते हो ना, तुम्हारी लाइफ से लोग चले जाते हैं, यू पुश देम अवे। तुम्हारी मॉम भी तुम्हें इसलिए छोड़ के गई है। आई एम नॉट शटिंग अप। कल शादी है मेरी, तुम्हारे घर के आगे से जाएगी बारात, देखना सर। जरूर देखूंगा, जरूर देखूंगा कि किस बुड्ढे से शादी कर रही हो तुम। उस बारात में बच्चे भी होंगे उसके। आज के बाद किसी को ये मत बोलना कि तुम्हारी माँ गोल्ड डिगर नहीं है, समझी तुम? रिकी मुझसे बार बार एक ही बात पूछ रहा है कि मंजीत जी को मैंने उस लॉयर का नंबर क्यों दिया? रिलैक्स सची, पहले मुझे ये बताओ कि क्लॉजेस के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? I don't know ऋषभ, उसे क्या पता और क्या नहीं पता है, पर अगर उसे पता चल गया ना कि उस अग्रीमेंट में तुमने क्या क्या क्लॉजेस डाले हैं तो भाभी फोन काटना मत। यार रिकी, व्हाट हैपेंड? ऋषभ, लंदन तो फोन आया थी, अभी दो मिनट में कॉन्फ्रेंस कॉल है प्योर लाइफ वालों के साथ। चलो डैड, एक कॉल पे हूँ अभी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? चलो कम ऑन।
पता नहीं साची मैनेज कर पाएगी या नहीं। I'm sorry. मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैंने आप पे भी शक किया। मुझे लगा कि मंजीत आंटी को आपने लॉर के पास भेजा और प्रीनप वाला आइडिया भी आप ही का था। जो औरत अपनी बेटी की शादी किसी बच्चों वाले बुढ़े के साथ करा सकती है पैसों के लिए, वो भी कैसी फैमिली होगी। और मैंने आप पे ट्रस्ट। It's fine. Anyway. सेतु, मैं क्या सोचती थी कि मैं शादी में ना यहाँ बाजू तक मेहंदी लगवाऊंगी, बहुत अच्छी लगेगी। और सेतु, शादी में नमन के जूते जरूर चुराने। कपूर बहुत मैच्योर है, वो रस्म को रस्म की तरह ही लेंगे, उसका गलत मतलब नहीं निकालेंगे, वरना कुछ लोग तो चोर का लेबल दे देते हैं। नहीं? चल चल, बहुत काम है, शादी है यार मेरी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऋतिक को जो चाहिए उसे दे दो, उसे पलक चाहिए उससे शादी करवा दो, प्लीज मेरा बच्चा टूट जाएगा। ऋतिक नून किसी लड़की के लिए आंसू बहाए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऋतिक नून कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता।